पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम को डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात की टीम जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा करके इस मुकाबले में उतरेगी, तो वहीं पंजाब की टीम को इस साल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट से हार का सामना पिछले मुकाबले में करना पड़ा था। बात करें गुजरात की तो गुजरात क्वालिफाई करने की रेस में सबसे आगे है और इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर एक पर बना हुआ है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो टीम को यह मुकाबला प्लेऑफ्स में जाने के लिए जीतना बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा पिच की बात करें यानी कि डीवाई पाटिल स्टेडियम मैदान की बात करें तो इस मैदान पर 160-170 का एवरेज स्कोर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर बल्लेबाज खुद को संभल करके इस पिच पर जमे रखे तो एक लंबी इनिंग्स बल्लेबाज के द्वारा देखी जा सकती है। टीम्स की बात करें प्लेइंग 11 की तो गुजरात टाइटंस रिद्धिमान साह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, प्रदीप सांगवान, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी और अलजारी जोसेफ के साथ उतर सकती है। पंजाब की टीम के अंदर मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, भानुका राजपक्षा, जोनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, ऋषि धवन, कगिसो रबाडा, राहुल चहर, संदीप शर्मा और अर्शदीप सिंह शामिल हो सकते हैं। टॉप परफॉर्मर की बात करें जिन पर सभी की नजरें होंगी तो रिद्धिमान साह के साथ साथ हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, प्रदीप सांगवान, राशिद खान पर सभी की नज़रें होंगी। इसके अलावा पंजाब की टीम में शिखर धवन, भानुका राजपक्षा, लियाम लिविंगस्टन और साथ ही साथ राहुल चहर, कगिसो रबाडा और ऋषि धवन क्या कुछ करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी क्या राय है इस मुकाबले को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।